good morning class 1 welcome back to your english class so children how are you all i really hope you guys are doing good fine and also safe at your home so children today we will continue with the chapter 6 tommy's five senses and the poet of this chapter is paul king okay i really hope children you all enjoy this poem and also Learn the five senses of our body. Okay, so before we begin our class, we will quickly recap what we learned in our previous class. So, we learned in our previous class about a poem, Tommy's Five Senses. So, children, we learned yes, we read eight lines of this poem.

टॉमीज़ आइज़ हेल्प हिम टू सीज़ इफ समथिंग रेड और ब्लू और टॉमीज़ की आइज उसको देखने में हेल्प करती हैं कि क्या चीज़ रेड है या ब्लू है या कोई भी चीज़ कितनी सुंदर है बैड है ओके नेक्स्ट टॉमीज हैंड्स हेल्प हिम टू टच एंड नो जस्ट हाउ थिंग्स फील और टॉमीज के हैंड्स जो हैं या स्किन भी हम बोल सकते हैं वो किस चीज में हेल्प करते हैं किसी चीज को टच करने में हेल्प करते हैं उसको फील करने में हेल्प करते हैं और टॉमी को इससे ये पता चलता है कि कोई चीज़ कैसी है उसका साइज कैसा है सेप कैसा है ओके चिल्ड्रेन एज वी नो दे आर आर डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स समार सॉफ्ट स्मूद समार हार्ड रफ ओके नेक्स्ट टॉमीज टंग हेल्प हिम टू टेस्ट अ सॉर लेमन पील और टॉमी की जो टंग है वो किस चीज़ में हेल्प करती है उसकी टेस्ट करने में हेल्प करती है यस चिल्ड्रन वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट समार सॉर बेटर स्वीट चॉकलेटी दिस इज ऑल आर टेस्ट ओके एंड आवर टंग हेल्प्स अस टू फील द टेस्ट टू टेस्ट ओके एंड अमन पील और जैसे कि लेमन का टेस्ट कैसा होता है सॉर टेस्ट होता है ओके क्विकली स्टार्ट आवर टूडेज एम सो लेट स्टार्ट एंड लेट सेम Children, today we will continue reading the poem Tommy's Five Senses. Okay, now we are going to read some eight lines of this poem. Okay, so and before we start our class, our poem, we will first learn some keywords. That will help us to understand the chapter, the poem very easily. So the first keyword is decide. Decide, it means make a choice. हम जब कोई चीज़ अपनी choice से decide करते हैं, अपनी choice से पसंद करते हैं, तो हम उसे क्या बोलते हैं decide बोलते हैं। Okay, decide से children decision सब बना है डिसीजन वर्ड बना है ओके नेक्स्ट हेल्पर्स यू नो चिल्ड्रेन अबाउट वॉट इज हेल्पर्स यस जो हमारी हेल्प करे किसी चीज में उसे हम हेल्पर कहते हैं सो हेल्पर मीन्स हु हेल्प टू मेक एनी वर्क ईजी जो भी हमारी हेल्प करता है हमारा वर्क ईजी करने में हम उसे हेल्पर बोलते हैं ओके okay? सो so, Now everyone is ready, very good. Now let's start poem. So, Tommy's nose helps him to smell the food he likes to chew. और टॉमी की नोज उसकी हेल्प करती है इस्मेल करने में जो भी फूड जो भी खाना वो खाता है च्यू करता है उसको च्यू मीज चबाना ओके okay, जब हम कोई चीज़ खाते हैं तो उसे हम च्यू करते हैं तो उसकी नोज स्मेल करने में उसकी हेल्प करती है नेक्स्ट टॉमी सेंसेस हेल्प हिम टू थिंक डिसाइड एंड लर्न टू डू और टॉमी इसके जो सेंसेस हैं फाइव सेंसेस देर आर फाइव सेंसेस यस वॉट इज हियरिंग सी टच स्मेल एंड यस चिल्ड्रेन Okay, what is the fifth sense of our body? Yes, taste. So, next, Tommy's has five senses, as this picture of him shows. Yes, children, look at this picture. This is Tommy, and Tommy's has five senses. कितने सेंसेस वन टू थ्री फोर फाइव एंड टॉमीज़ हेल्पर्स आर हिज आईज एंड हैंड्स एंड टंग एंड नोज ओके चिल्ड्रेन सो दीज आर फाइव सेंस ऑफ ऑर्गन्स दैट हेल्प अस टू सेंसेस ओके हमें जब भी कोई सेंस फील करना होता है तो हम इन्हीं अपने फाइव सेंस ऑफ ऑर्गन्स का हेल्प लेते हैं ओके सो चिल्ड्रन आई रियली होप यू ऑल इंजॉय दिस पोयम एंड ऑल्सो लर्न अबाउट फाइव सेंस ऑफ ऑर्गन इन आवर बॉडी एंड देयर वर्क ओके एंड देयर इम्पॉर्टेंस इन अवर लाइफ वो हमारे लिए कैसे इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में आप सब लोगों ने ये सब बहुत सारी चीजें बहुत अच्छे से सीखी हैं ओके ओके नाउ चिल्ड्रन वी विल डिस्कस क्वेश्चन ऑफ द डे वट इज द क्वेश्चन ऑफ द डे हमारा आज का क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है सो वॉट इज द टेस्ट ऑफ लेमन लेमन का टेस्ट कैसा है चिल्ड्रेन यू हैव यू विल हैव फोर ऑप्शंस Of taste okay, so you have to select the correct taste of lemon and you will get your bonus point. And you have to answer the question within a given time in one day, like 8 a.m. to 9 p.m. only. Now we have a practice time, everyone is ready? Very good now children this is your book exercise okay so take the correct options to complete the following sentences you have to i give you one sentence and you have three options you have to take the correct option okay so the sentence is tommy's ears help him to टॉमीस के जो टॉमी के जो कान हैं जो ईयर्स हैं वो उसकी हेल्प किस चीज़ में करते हैं ईट एंड स्मेल सेकेंड हेयर एंड कीप हिज बैलेंस एंड थर्ड टेस्ट एंड हेयर सो चिल्ड्रेन वॉट इज द करेक्ट आंसर ओके नाउ टूडे आई विल नॉट आंसर यू यू हैव टू टिक इन योर बुक ओके Yes, so the answer is second answer here and keep his balance. Next, Tommy's nose helps him to. और Tommy की जो nose है वो उसको किस चीज में help करती है? Smell the food he chew, hear the food he chew, and eat the food he chew. तो टॉमी की नोज उसको किस चीज में हेल्प करती है? Yes. please think about it and take the correct answer yes so the correct answer is option first smell the food heat chew. okay now children we have today's work so everyone is ready you all are active now children very good

don't answer in one word please children answer the question in full sentence okay and today i will also tell you don't copy the questions from your discussion class okay just match your answers and now children you have second work राइट फोर लाइन्स ऑफ द पोएम टॉमीज फाइव सेंसेस इन योर नोटबुक चिल्ड्रन आपको पोएम की फोर लाइन्स स्टार्टिंग की फोर लाइन्स अपनी बुक में नोट अपनी नोटबुक में राइट करनी है ओके एंड चिल्ड्रन प्लीज मेक श्योर आप सेम जैसा आपकी बुक में लिखा है सेम एज इट इज ही अपनी कॉपी में अपनी नोटबुक में नोट करें कुछ कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो लाइंस को ऊपर नीचे कर देते हैं ओके सो प्लीज ट्राई टू राइट द एज इट इज सोन इन योर बुक नाउ वी हैव आवर प्लान वर्क सो द प्लानर वर्क इज आंसर द क्वेश्चन इन योर नोटबुक राइट फोर लाइंस ऑफ द पोएम टॉमीज फाइव सेंसेस In your notebook okay and after you note down your planner work, get your parents signature okay then your work is done and now children i really hope you all enjoy this poem also enjoy this class and remember the things what we learned in our previous class and in our first class okay so thank you so much for watching video and listening me and children if you have any doubt you can ask me in your comment section okay i will answer you thank you